अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आपको खुश आमदेद करते हैं आपके शो पे और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मिसालर टीवी। खुश रहिए हमेशा और हंसते बसते रहिए और मसाला मॉर्निंग्स के साथ रहिए। आज क्या बन रहा है? आज बहुत जबरदस्ती वही बात, ईद की रेसिपीज। देखें, मैं कोई ईद का अलग हफ्ता नहीं कर रही, कोई खास वो नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही हूँ, ठीक है। आज हम आपको पर्दा चिलमन बिरयानी सिखाएंगे, ये भी मटन से बन रही है, और हम आपको राड़ा मटन सिखाएंगे, ये भी मटन से बन रहा है। ये इंडिया की स्पेशलिटी है, रोड साइड फूड है, ढाबे पे मिलता है आपको, इसको राड़ा मटन कहते हैं, ठीक है। अच्छा खासा खूब गलावा गोश्त होगा और हम बना रहे हैं सोनामुखी। ये मीठा है और ये बर्मीज डिश है, बर्मा की डिश है सोनामुखी। तो आज मुकाबला सख्त है मेरे लिए, डेढ़ घंटे में तीन मुश्किल मुश्किल रेसिपीज हैं। खैर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ अल्लाह ताला मदद करते हैं हमेशा। आज शुरू करते हैं पहली रेसिपी, राड़ा मटन। अब मेरे पास प्रेशर कुकर एक है इसलिए मुझे टेंशन है यहाँ पे। खैर, राड़ा मटन हम इसमें चढ़ाते हैं, प्रेशर कुकर में हम बिरयानी का गोश्त करेंगे, ठीक है। मटन लेना है आपको आधा किलो। अच्छा, आज का सवाल, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरा शो का इंट्रो बहुत गौर से सुना है। जिन्होंने गौर से सुना है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, सवाब का जवाब देना। जिन्होंने नहीं सुना या अभी खोला टीवी तो फिर मुश्किल है, ठीक है। आज का सवाल आपसे ये है, सोनामुखी कहाँ की डिश है? सोनामुखी कहाँ की डिश है, जल्दी से बताइए। मसाला एम लिखें, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिखे, 888-1 पे आपको भेजना है, ठीक है जी। सोनामुखी कहाँ की डिश है? ओके, हमने ले लिया मटन आधा किलो और इसको हम जा रहे हैं मैरिनेट करने सिर्फ दही और नमक के साथ। हाफ कप दही, ठीक है, नमक 1.5 टीस्पून, मौलवी कनोला ऑयल बहुत सारी खूबियों के साथ, नया तेल जो मौलवी कुकिंग ऑयल वालों ने इंट्रोड्यूस कराया है, कैनेडियन सीड से निकाला हुआ बेहतरीन कनोला ऑयल, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर हार्ट, फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 और 6 की क्वालिटीज इसमें भी शामिल है। तो आपने भी इसको लेना है, मेरा एतमाद कीजिए, मैं यूज करती हूँ, आपने भी यूज करना है, ठीक है। ओके, लेते हैं हम आधा कप मालवी कनोला ऑयल, बहुत लाइट है, मैं कल से यूज कर रही हूँ, मुझे इतना लाइट लगता है ये, वेरी नाइस। और बॉटल भी इसकी इतनी अच्छी स्मार्ट बॉटल है, पकड़ने में आसानी, ठीक है, देखने में खूबसूरत। ये हमने गोश्त और नमक ले लिया। अब हमने तेल गरम किया है और तेल गरम करने के बाद मैं इसमें डालूंगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दो बड़ी इलायची, 4-6 डाल दीजिए छोटी इलायची, एक डाल दिया तेज पत्ता, एक डाल रही हूं प्याज चॉप्ड,
थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, साथ में एक खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक डाल दीजिए। जैसे ही प्याज गोल्डन होगी मैं इसमें स्लाइस टोमेटोज डाल दूंगी दो चॉप्ड, और साथ में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। ठीक है, टोमेटो पेस्ट डालना है आपको, अगर नहीं है तो 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाल दीजिए। सही है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल टेंडर पॉप्स और क्या बनाया था वो भुसभुसा बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। पेज पे से पता चल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है, ईमेल्स आती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस, बहुत मेहरबानी। बस प्याज को हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। जैसे ही वो लाइट गोल्डन होना शुरू होगी मैं इसमें टमाटर, अच्छा आपका जब आप रेसिपी का चलेगा उसमें जो मेथड आ रहा होता है, जो तरकीब आ रही होती है, उसमें टमाटर बाद में लिखे हुए हैं, आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन उससे एक चीज होती है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती है, वो टमाटर खड़ा खड़ा रहता है, नजर आता है, तो शुरू में डाल दो ताकि वो अच्छी तरह भुनाई में भून जाता है, बस इसलिए मैं टमाटर पहले डाल रही हूँ, बता दिया है आपको, आगे आपकी खुशी है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कॉलर है मेरे साथ, बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है आपा, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आपको भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बेटा, बहुत मेहरबानी आपकी। आपा मैंने बीफ की फरमाइश करनी है। अच्छा, मैंने दिया नहीं है इस साल, बिकॉज मैं काफी दो दफा मेरा ख्याल से सिखा चुकी हूँ, मैं ऐसा करूंगी किसी दिन फारिग होंगी ना, मतलब जल्दी इजी रेसिपीज होंगी तो आपको पूरा बैठ के उसकी तरकीब सही से समझा दूंगी। ठीक है, बिकॉज हमारा आपको पता है नवंबर तक, मेरा तो नवंबर भी प्लान्ड हो गया है, तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम आपको जरूर समझा देंगे, बिल्कुल बता देंगे आपको, बहुत अच्छा बनता है मेरा, वेरी नाइस, जरूर बताएंगे। अच्छा, टमाटर डाल दिया, टमाटर के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाल दी, और मुझे जब से उलझन हो रही है उसमें प्याले में थोड़ी सी दही रह गई है, तो आई कांट, अब इसको हम थोड़ी सी भुनाई करते हैं, इतनी भुनाई करेंगे कि टमाटर मुझे फील हो कि जी बिल्कुल अच्छा सा भून गया है, फिर ये जो मैरिनेटेड मटन है ना, मैरिनेट किया है 1/2 कप या 1/2 पाव फीटी हुई दही, 1/2 चाय का चम्मच लेवल्ड नमक के साथ, ये मैं इसमें डाल दूंगी और फिर ढक देंगे इसको, और फिर हम 5 मिनट के बाद, मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात इसलिए अभी से बता रही हूँ कि आई एम श्योर ब्रेक आने वाली है, आ गई है ब्रेक, तो ब्रेक से आने के बाद हम इसमें आपके सामने आके मसाले डालें। अभी टमाटर भून रही हूँ, टमाटर भूनने के बाद ये जो दही लगा हुआ, नमक लगा हुआ गोश्त है, ये इसमें चला जाएगा और इसको भुनाई होगी और ढक दिया जाएगा, फिर ब्रेक से आने के बाद उसको खोलूंगी और तमाम मसाले आपके सामने जाएंगे। ठीक है, आज का सवाल, सोनामुखी कहाँ की डिश है, कौन सी जगह की डिश है, जल्दी से बताइए, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेजिए, लेकिन सेल फोन पे पहले मसाला एम लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
पूरा मटन अच्छा बकरे का गोश्त आधा किलो दही आधा कप तेल आधा कप हरी इलायची 6 अदद काली इलायची 2 अदद तेजपत्ता 1 अदद कटी प्याज आधा कप अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे हरा धनिया 2 खाने के चमचे पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच हल्दी 1/4 चाय का चम्मच कटे टमाटर 2 अदद टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमच नमक 1.5 चाय का चम्मच पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच साबित लाल मिर्चें 6 अदद कटी अदरक 1 खाने का चम्मच कटी हरी मिर्चें 2 अदद पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला 1/2 चाय का चम्मच जी जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और मसाला मॉर्निंग्स में हमने क्या किया जल्दी से बता रही हूँ, ठीक है। आधा कप लिया था मौलवी कनोला ऑयल और उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 बड़ी इलायची 4-6 छोटी इलायची तोड़ के जरा सा डाल दो, 1 तेज पत्ता दैट्स बे लीफ वो डाल दिया और जरा सा उसको हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद उसमें मैंने 1 प्याज चॉप डाल दी। प्याज को लाइट गोल्डन किया, जब प्याज लाइट गोल्डन हो गई उसमें 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक डाल दी और मैंने उसमें शामिल कर दिया 2 स्लाइस टोमेटोज और 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट या 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। डालने के बाद उसको आपने अच्छी तरह भूना, जब टमाटर नरम हो गए तो फिर मैंने उसमें जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो डाल दिया। गोश्त किस चीज से मैरिनेट किया था, आधा किलो मटन था जिसको मैरिनेट किया था, आधा कप दही और 1.5 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। अब मैं इसको खोल रही हूँ, ये बस दही, अभी मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, आपका इंतजार कर रही थी कि इसमें मसाला जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अदरक लहसुन नहीं डाला था, आपकी वजह से इधर रुक गई थी, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये चला गया, अब मुझे इसकी भुनाई करनी है, बिकॉज क्यों करनी है, हो तो चुकी है लेकिन तेल ऊपर आ गया, लेकिन क्यों करनी है। अदरक लहसुन अभी डाला है वरना वो कच्चा कच्चा फ्लेवर देगा, ठीक है। जब तक ये भून रहा है मैं कॉलर से बात करती हूँ और इधर प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया, इसमें जा रही हूँ डालने आधा कप मौलवी कैनोला ऑयल और आते हैं पर्दा चिलमन बिरयानी का मटन चढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। आई लव योर शो शिंटी एंड आई हैव ट्राइड योर रेसिपी मेनी टाइम्स। व्हाट डिड यू ट्राई स्वीट हार्ट? योर केक। ओके। केक लाइक टी टाइम केक। ओह वाओ। ओके। और मैंने उसमें वेरिएशंस भी करी थी, लाइक आपने उसमें चेरीज डाली थी, मैंने जस्ट चेरीज ऑमिट करके प्लेन केक लाइक टी टाइम केक बनाया था। वेरी गुड बेटा। मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की है। ओके जान। और मैंने आपके बहुत सारी ट्राई करी है रेसिपीज, मुझे और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आती है, मेरे फादर को लाइक मदर को सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा आप मुझे बताओ हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19। मैंने आपको 2 टाइम्स पहले कॉल कर चुकी है। हाँ मुझे याद आ गया, बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी एज पूछी थी। यस yes, yes. बिल्कुल याद आ गया मेरी जान। ओके कीप इट अप बेटा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम एंड हैव अ ग्रेट डे। अच्छा जी ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह कलर और कितना अच्छा भून गया। अच्छा इसको आप बीफ से भी बना सकते हो।
सेम रेसिपी फॉलो कर लो, बोनलेस से बनाना, बोनलेस बीफ से, ठीक है? अभी कुर्बानी पे तो आपको बहुत बोनलेस मिलेगा, आप उससे बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। और कोई पपीते की जरूरत नहीं है, उसको आराम से पानी डाल दो 3-4 कप और गलने दो, जब वही तो मजा है जब वो घुटा घुटा होगा। इसमें गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ठीक है? बस मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 2 कप और उसको एक तरफ कर देते हैं। आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी। ब्रेक कर देती हूँ ना, गोश्त चढ़ा दूँ, गोश्त चढ़ा दें फिर चलते हैं ब्रेक पे, ठीक है? ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं पर्दा चिलमन बिरयानी, वो आपको बाद में बताऊंगी इसका पर्दा क्या है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन बहरहाल। अच्छा, पर्दा चिलमन बिरयानी भी मैं मटन से बना रही हूँ बिकॉज बकरा ईद है, वरना आप बिल्कुल उसको चिकन से बना सकते हो, बोनलेस चिकन से भी बना सकते हो, ठीक है? कॉलर है मेरे साथ बहुत दूर से, ऑस्ट्रेलिया से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आंटी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं दीप बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। ऑस्ट्रेलिया से जी, फरमाइए जी, क्या हाल है आपके जी? अल्लाह का बहुत एहसान है, बोलिए आप क्या कहेंगे जी? आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि वो बर्मा की डिश है, ठीक है? और कोई फरमाइश? और मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ जो है आपका प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक से देख रही है और अभी भी वो देख रही है। अच्छा अच्छा जी, ये बात कर ले जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ इतनी खोई हुई हैं प्रोग्राम में? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं सादिया बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से जी। सादिया, कितने बज रहे हैं वहाँ? अभी 4:15 हुए। ओके ओके, अच्छा टाइम है आपके लिए शो देखने का। इसी टाइम मैं डेली आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है बेटा आपकी? नहीं, कोई भी नहीं है, आप सारा इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, कोई फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं। चलें, आपकी मियाँ तारीफ करते हैं खाने के बाद? हाँ जी, बहुत करते हैं। चलें, जबरदस्त, ठीक है, खुश रहिए बेटा हमेशा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का, प्रोग्राम देखने का, इतनी दूर से कॉल करने का, खुश रहिए बेटा। अच्छा, हार है हम, मैं ये बात बताऊंगी ऑनर, ठीक है? अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हमने चावल लेने हैं 1/2 किलो, गोश्त मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव मटन लिया है और उसको हम कुक करेंगे, ठीक है? देखें, इसमें सब मैं पहले 1/2 कप तेल मौलवी कैनोला गरम किया और उसमें मैं जा रही हूँ शामिल करने 1 बड़ी कच्ची प्याज पिसी हुई, ब्लेंडर कर लो, सिल्क नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसको 5 मिनट लगेगा फ्राई करने, तो हम ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है? स्टे विद मी। रहरा मटन अज्जा, बकरे का गोश्त 1/2 किलो, दही 1/2 कप, तेल 1/2 कप, हरी इलायची 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, कटी प्याज
आधा कप अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदरक, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 6 अदरक, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदरक, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब, पहले आधा किलो बकरे के गोश्त को 1.5 चाय का चमचा नमक और आधा कप दही से 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब आधा कप तेल गर्म करके इसमें 6 अदद हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची, 1 अदद तेज पत्ता और आधा कप कटी प्याज फ्राई करें यहाँ तक कि वह लाइट ब्राउन हो जाए। फिर इसमें 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 1.5 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चमचा हल्दी, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 6 अदद साबित लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया और मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करें और ढक कर हल्की आंच पे पकाएं। अब इसमें 1 कप पानी डालें यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। उसके बाद 2 अदद कटे टमाटर, 1 खाने का चमचा कटी अदरक और 2 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें यहाँ तक कि गाढ़ी ग्रेवी रह जाए। आखिर में 6 अदद साबित लाल मिर्चें, आधा चाय का चमचा साबित गर्म मसाला, 2 खाने के चमचे हरा धनिया और 2 अदद कटी हरी मिर्चें डाल दें और नान के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है पर्दा चिल्वन बिरयानी। आधा कप मौलवी कैनोला कुकिंग ऑयल लिया, उसमें मैंने शामिल किया इतनी बड़ी प्याज कच्ची, ब्लेंडर में ज़रा सा पानी डाल के पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। उसको आप अच्छी तरह से फ्राई कर लो जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने 1 खाने का चम्मच, लिख लें हाँ गौर से, 1 खाने का चम्मच मैंने भर के बिल्कुल हीट ऊपर तक इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और ये 6 से 8 बटन रेड चिलीज, ठीक है, 6 से 8 बटन रेड चिलीज चली गई थी। उसको भूनने के बाद मैंने इसमें 750 ग्राम्स या 3 पाव बकरे का गोश्त, बटन मैंने आपको बताया मैं हमेशा मिक्स लेती हूँ, रान का भी होता है, और उसमें ये देखें आपको मैं आज दिखाती हूँ, ये देखें ये पुट है, ठीक है, ये पुट का पीस है। आई ऑलवेज टेक, ये देखें ये चॉप्स हैं, तो इस तरह से मैं मिक्स गोश्त लेती हूँ ताकि अच्छा लगता है। अच्छा ये मैंने हो गया, अब मैं इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, फिर भी इतनी लजीज बिरयानी बनती है ये। इसमें मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और मेरे पास आपकी रेसिपी कार्ड में दही लिखी हुई आ रही है 2 जगह, 3/4 कप प्लस 3/4 कप, हमें 1.5 पाव 1.5 कप दही चाहिए। फेंट लो, आधी आधी कर लो, आधी इधर आधी इधर, ठीक है, आधी दही आप इसमें डालो। ये आपके घर जरूर बनाइए आप ईद पे, बहुत ही जबरदस्त। ये हमने डाल दिया दही, अब इसको मैं पानी, अभी फिलहाल मुझे डालने की जरूरत नहीं है, वो दही का अच्छा खासा पानी लिक्विड हो गया है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे इसका क्या हाल है, ठीक है। जब तक मैं इसको एक नजर मारती हूँ, ये आराम से पक रहा है, इसको तो मैं छूंगी 12:20 पे, अच्छा गल जाए, पानी की जरूरत होगी हम डाल देंगे। अच्छा कॉलर है मेरे साथ, कॉलर से बात करके यहाँ जो आधी दही पड़ी है उसमें क्या क्या चीजें जाएंगी वो आपको बताती हूँ, ये हम लेयर्स में डालेंगे बिरयानी के, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा फॉर यू मिलियंस ऑफ ग्रीटिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ कलर्स, हंड्रेड्स ऑफ विशेस, टन्स ऑफ स्वीट एंड लॉट्स ऑफ स्माइल, दैट्स आई विश यू फॉर माय स्वीट हार्ट आपा।
Thank you so much, beta. Jazakallah khair. And Appa, I got your gift. I got your book. इतनी जबरदस्त बुक है आप, बहुत जबरदस्त बुक है. वो जो शाइस्ता के प्रोग्राम में जीती थी. जी बिल्कुल मिल गई. ओके, इतनी अच्छी बुक है, मैं इतनी खुश हूँ ना. मुझे गनी मिली है, बहुत जबरदस्त बुक है. और बहुत अच्छी रेसिपीज है उसकी, बहुत अच्छी है. मुझे बहुत खुशी की आज मेरी कॉल मिल गई यहाँ पर. थैंक्स गॉड. आप कहती है ना कि शुक्र अदा करता करें. बिल्कुल, शिकायत तो करनी नहीं है किसी हाल में, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, आपके सारे शोज बहुत मार्वलस होते हैं, मैं बहुत शौक से देखती हूँ. और आप इन ग्रीन यू आर लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू. और कल का शॉप पर सुपर था. मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, आपका जो आपने भुसभुसा जो बनाया था उसमें सूजी जो है भून कर डाली थी या बगैर भुने? कच्ची कच्ची, भुनी बगैर. अच्छा, भुने बगैर डाली थी. ओके आपा, ठीक है. Thank you. Thank you, Appa. Keep rocking. Love you, Appa. Love you too, beta. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया हमारे गिफ्ट्स मिलते हैं, और ये भी सुन लिया कि मेरी जो किताब है वर्थ बाइंग है, तो जरूर खरीदिए. अब रीप्रिंट होके आ चुकी है, थर्ड एडिशन रीप्रिंट हुआ है माशाल्लाह, एक साल में रीप्रिंट होके आ चुकी है. बहुत हर जगह, हर बड़े बड़े स्टोर्स पे दस्तियाब है. तो आप मसाला मॉर्निंग्स की किताब जाके जरूर खरीदें, और अगर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो हांडी की और लाइव एट नाइन की भी खरीदिए. ठीक है, जरूर खरीदिए. ओके जी, आ रहे हैं हम दही के मिक्सचर पे. दही मेरे पास तीन चौथाई कप उसमें चली गई, तीन चौथाई कप इधर है. अब इस तीन चौथाई कप दही में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप क्रीम. नहीं डालना है आप, दो टेबलस्पून डाल लो, लेकिन डालना जरूर, ज्यादा नहीं डालनी है, नहीं डाले बट दो टेबलस्पून जरूर डालिए. दही और क्रीम हो गई. अब इसमें मैं शामिल करूंगी धनिया. जी जी, टेट्रा पैक वाली नॉर्मल क्रीम. धनिया थोड़ा सा, दो टेबलस्पून. पुदीने के पत्ते 4-10-12 काट के, सॉरी हाथ से तोड़ के, ठीक है. और इसमें हम डालेंगे दूध 1/4 कप, और इसमें मैं डालूंगी केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच. एक तरफ कर लेना सब. उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान. फिर वही बात है, मुझे पता है बहुत से लोग मुझसे बहुत नाराज होते हैं कि आपा बहुत खर्चा करती हैं, लेकिन मैं क्या करूं भाई, जब तक चीज कैसी. बहरहाल अगर आपको नहीं डालना है आप नहीं डालें, आप ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दो. ठीक है, आप बिल्कुल ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दो. ये हो गया एक तरफ. अच्छा, अब कॉलर है मेरे साथ, इंटरनेशनल कॉलर फ्रॉम दुबई. हाय मलेशिया. हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड स्वीट हार्ट, हाउ आर यू बेटा? गुड गुड. व्हाट टू टेल यू, लवली रेसिपीज. आई ट्राइड टेंडर पॉप्स यस्टरडे, यम्मी. व्हाट? टेंडर पॉप्स. ओके ओके ओके, very yummy. I got your book over here in Dubai, yours and handy book I got. What you got? Your book. Oh, your book. Wow. Kahan se kharidi beta? That Apna Pakistan supermarket auntie. Okay, okay. He has it. Okay, okay. Great, great. Yeah, I did not get Gulzar's book, but I got these two books. I definitely got it. Okay, great beta, great. Enjoy it. Happy cooking. Thank you, Malaysia, for your call all the way from Dubai. Khush rahiye. Achha ji, samajh aa gaya? Clear ho gaya? Haan? Aadha cup Malvi cooking oil liya, usme ek kachi pyaaz daal. Theek hai? Aur canola oil. और उसमें एक कच्ची प्याज डाली, और साथ में आप अदरक लहसुन भी डाल दो 1 खाने का चम्मच, और उसको अच्छी तरह भून लो. भूनने के बाद आपने उसमें 6-8 बटन रेड चिलीज डाली. ठीक है, ये डाल दिया. साथ में आपने लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें डाल के
3/4 कप, 3/4 कप फिटी हुई दही डाल के मिक्स किया और उसको हमने कवर करके छोड़ दिया है गलने के लिए। अब ये गल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास मेरे चावल रेडी हैं, हम लेयर्स लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास चावल रेडी हैं। चावल बॉईल करते वक्त मैंने नमक, साबुत गरम मसाला एंड ब्लैक क्यूमिन सीड्स डाले थे, ठीक है। आके आपको बताती हूँ ब्रेक आज। पर्दा चिलमन बिरयानी अज्जा, बकरे का गोश्त 3/4 किलो, उबले चावल 750 ग्राम, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, दही 3/4 कप, मजीद 3/4 कप, क्रीम आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, तली प्याज आधा कप, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जाफरान 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, केवड़ा 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया और कटा पुदीना हस्बे जरूरत, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पर्दे के अज्जा मैदा 2.5 कप, मक्खन 3/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी हस्बे जरूरत। Welcome back to Masala Mornings, another international caller on hold. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shirin apa, kaise hain aap? Alhamdulillah Rabia, main theek hoon. Aap kaisi hain? Aapki tabiyat, alhamdulillah. Aapko Allah ko acha rakhe. Aapke bachchon ke saath, aapke shohar ke saath, aapko tamam दुनिया की खुशियां मिले और आपकी जितनी भी शादी के एनिवर्सरी, आपके प्रोग्राम के मसाला मॉर्निंग की एनिवर्सरी, जो भी जितनी भी आपकी जिंदगी में आए, अल्लाह ताला आपको हजारों साल की उम्र दे, सेहत आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, आपको भी, आप भी खुश रहिए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह ताला। और आपा एक आपका आपसे बात शेयर करना था जी। हेलो जी, जी बोले एक, हाँ आपने जो लींबू का अचार डाले थे ना, वो लींबू के रस के साथ जी, जी जी हाँ, तो मैंने बनाई हूँ, डाली हूँ, तो वो 4 रोज धूप में रखने के बाद फ्रिज में रखना है? आपकी मर्जी है, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, खराब नहीं होता, लेकिन रख दें फ्रिज में। 4 दिन धूप में नहीं रखें, 6-7 दिन 8 दिन धूप में रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह आपकी रेसिपी एक्सलेंट, थैंक यू। आंख बंद करके हम लोग बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी रेसिपी। हमारे घर वाले, हमारे वहाँ पर इंडिया में भी मैंने बनाई हूँ, दी हूँ, सब लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए। अल्लाह ताला आपको बहुत माशाल्लाह इसी आप अच्छे रहे, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, लोगों के हसद से बचाए, और अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। पूरे कम्प्लीटली मसाला चैनल वाले को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन आमीन, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए हमेशा, आप लोग भी हमेशा इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो, इतना मान देते हो, इतना दिल बड़ा कर देते हो, इसीलिए तो वजन कम नहीं होता। क्या करूँ, आप लोग की इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अच्छा जी, सोनामुखी पे आते हैं, बिकॉज इसको बहुत टाइम लगेगा मुझे पकाने, एटलीस्ट आधा घंटा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 3 कप मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, गुड क्वालिटी, आई कांट से द नेम, ठीक है। एन से नाम शुरू होता है, पीला डब्बा है, बच्चा और माँ बना हुआ है, सब कुछ बता दिया, ठीक है। 3 कप हमने लिया ये। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 कप पानी। मैं 2 कप नहीं डालूंगी, थोड़ी सी चीटिंग करती हूँ, क्यों करूंगी चीटिंग, जितना पानी डालूंगी इतना टाइम लगेगा सुखाने में, ठीक है। तो मैं 1 कप से काम चलाती हूँ, आप मत करना, आप 2 कप डालना, ठीक है। 1 कप चलें, आधा कप और डालते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल
मिल करूंगी एक टिन सूरी कंपनी का कोकोनट मिल्क पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी, सेमोलिना एक कप, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, शुगर 1.5 कप है, मेजर्ड है, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, वेनिला नहीं डालना है, इलायची पाउडर डाल दें, पिंच ऑफ येलो कलर, जर्दे वाला कलर, ठीक है। नारियल जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट 2 कप, थ्री एग्स, वन कप मौलवी वनस्पति, मैं 1 कप से कम लूंगी, क्यों, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जमा हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर तक नहीं ले रही। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पकाने रखेंगे, और जब पकाने रखना है तो हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, वरना अंडा स्क्रैम्बल बन जाएगा। नहीं, आग नहीं जल रही है, मिक्सिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग करने के बाद ताकि इसमें कोई लंप ना रह जाए दूध का, मिक्सिंग। अब मेरा दिल नहीं मान रहा है, आप लोग फिर सोचेंगे पता नहीं क्या गड़बड़ है, मैं डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने 1.5 कप पानी डाला था, आधा और ले लेती हूँ, तो 2 कप पूरा डाल दिया। चलें, मैं अभी रिकैप करती हूँ आपको, ठीक है। इसके हम जला लेते हैं चूल्हा, इसको हम पकाने रखते हैं, मिक्स कर लें अच्छी तरह ताकि गुठलियाँ ना रहे। विस्क ले लो, वरना विस्क से जरा सा चला लीजिए। ठीक है, अब देखें मैं चला रही हूँ चूल्हा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये जल गया। अब ब्रेक आ चुकी है, मेरा काम ब्रेक में यही है कि कंटिन्यूसली मैं इसको बस चला रही, बस ये मेरा काम है, छोड़ना नहीं है जब तक कि इसका घी अलग हो जाए और आपका सोनामुखी रेडी हो जाए। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये रेडी है, घी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, घी ऊपर आ जाएगा, राइट। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आके बिरयानी करते हैं। पर्दा चिलमन बिरयानी।
अज्जा, बकरे का गोश्त 3/4 किलो, उबले चावल 750 ग्राम, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, दही 3/4 कप, मजीद 3/4 कप, क्रीम आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल आधा कप, तली प्याज आधा कप, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1.5 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, जाफरान 1/4 चाय का चम्मच, दूध 2 खाने के चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच, कटा हरा धनिया और कटा पुदीना हस्बे जरूरत, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चम्मच, पिसी जायफल 1/4 चाय का चम्मच, पर्दे के अज्जा, मैदा 2.5 कप, मक्खन 3/4 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, पानी हस्बे जरूरत। तरकीब, पहले 750 ग्राम चावलों को 1 खाने का चम्मच साबित मिक्स कर मसाला और 1.5 चाय का चम्मच नमक के साथ उबाल लें, यहाँ तक कि वो 3/4 तैयार हो जाए। अब इन्हें एक तरफ रख दें। 3/4 कप दही को फेंट कर इसमें हस्बे जरूरत कटा हरा धनिया और कटा पुदीना शामिल करें, साथ ही आधा कप क्रीम, 2 खाने के चम्मच दूध, 1/4 चाय का चम्मच जाफरान और 1 खाने का चम्मच केवड़ा डाल के एक तरफ रख दें। अब एक पैन में आधा कप तेल गर्म करके इसमें के तहत कच्ची पिसी प्याज 5 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 2 चाय के चम्मच पिसी लाल मिर्च, 6 अदद साबित लाल मिर्चें और नमक डाल के गोश्त के साथ मिक्स करें। अब इसे 5 मिनट पकाएं और 3/4 कप दही डालें और फ्राई कर लें, फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करें और ढककर पकाएं यहां तक कि गोश्त गल जाए। अब एक ओवन प्रूफ ग्रीस की हुई डिश में तैयार गोश्त फैलाएं और तैयार जाफरान और दही का मिक्सचर डाल दें, फिर इसमें उबले आधे चावल और बाकी दही का मिक्सचर शामिल कर दें। उसके बाद 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चाय का चम्मच पिसी जायफल, 1/4 चाय का चम्मच पिसी जावित्री, फ्राई प्याज और 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डाल के तैयार की हुई डो से ढकें और अंडे से ब्रश कर लें। इसके किनारों को बंद करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें। आखिर में इसे निकाल के सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। उस वक्त से बेचारा मेरा हेल्पर लगा हुआ था, अभी मैंने लिया, मैंने नहीं किया, और वो देखें कितना जबरदस्त सा हो गया यहाँ पे। और बस अब मैं इसको इसलिए छोड़ रही हूँ, 2 मिनट और छोड़ रही हूँ कि घी ऊपर आ जाए और फिर मैं इसको डिश में डालूंगी। बादाम पिस्ते ऊपर डाल के 15 मिनट हम बेक करेंगे। अच्छा, जल्दी से आइए। पर्दा चिलमन बिरयानी, गोश्त गल चुका है, बेहतरीन। चावल लिए हमने 750 ग्राम ले लो और उसको आप बॉईल कर लो हाफ डन, जब तक के हाफ हो जाए। नमक, साबुत गरम मसाला, काला जीरा डाल के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 1 टेबलस्पून डाल लो मिक्स। आधे चावल नीचे फैलाए, इसके ऊपर दही और क्रीम वाला मिक्सचर, जाफरान, दही और क्रीम वाला आधा, ठीक है, नहीं जलेगा। हाँ, कोई बात। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी जायफल और जावित्री, 1/4 टीस्पून पिसी हुई, लेमन जूस गोश्त में, ठीक है, और ये पूरा गोश्त चला जाएगा इसके ऊपर। लाल प्याज, बचावा क्रीम और धनिया और जाफरान, केवड़ा, दही वाला मिक्सचर, इसको मैं कर रही हूं बंद। राइस,
डिश छोटा है, मैं और नहीं भरूंगी। ओके, ये इसका पर्दा है, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, ठीक है। एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, नहीं नहीं निकालते, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यूं लगा देते, अच्छा ब्रेक आ चुकी है। मैं क्या करूंगी, इसको जा रही हूँ अवन में डालने, लेकिन अवन में ऐसे ही नहीं डालूंगी। ये मेरे पास अंडा रखा हुआ है, अंडे को बीट करेंगे, इस पे अंडे से ब्रश करेंगे और अवन में डालेंगे, ठीक है। वापस आके बताती हूँ ये पर्दा किस चीज से बनाया था, स्टे विद मी। सोनामुखी अज्जा, अंडे पिटे हुए 3 अदद, पिसा खोपरा 2 कप, खुश्क दूध 3 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन, पानी 2 कप, सूजी 1 कप, चीनी 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पीला रंग 1 चुटकी, घी 1 कप, बादाम 2 खाने के चम्मच, पिस्ते 2 खाने के चम्मच। जी जनाब, वेलकम बैक। सोनामुखी मैंने दो में आया, अच्छी खासी सर्विंग है, ये देखें, ये डाल दिया है बेक होने के लिए, और वो पर्दा चलमन बिरयानी भी डाल दिया है, ठीक है। अब आ जाइए पेस्ट्री, जो उसके ऊपर पर्दा बना के डाला था वो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री थी। उसके लिए मैंने लिया था 2 कप्स फ्लावर, 2.5 लिखा है नहीं लेना, 2.5 बच जाता है, मैंने 2.5 लिया था, बच गया, तो जाया तो नहीं करना है ना, 2 कप लीजिएगा, ठीक है। 2 कप मैदे में आपने नमक डालना है, 1/2 चाय का चम्मच या 3/4 टीस्पून डाल लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ठीक है। 1/2 टीस्पून नमक डाला 2 कप मैदे में, और आपने उसमें मक्खन डाल दिया, इसमें ज्यादा जाता है मक्खन, 5 औंस डालिएगा 2 कप पे, वरना 6 औंस है 2.5 कप पे, ठीक है। आप 5 औंस मक्खन डालना, 125 ग्राम मक्खन डालना, 5 टेबलस्पून मक्खन डालना, और उसको आप इस तरह से सॉफ्ट फिंगर टिप से मिक्स कर लो, फिर मैदे को अपने हाथ के बीच में लेके इस तरह कर लो, ताकि वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। जब वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा तो आप इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा, और उसको मिक्स करेंगे, और पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम, 2 से 3 टेबलस्पून, बिल्कुल बर्फ वाला चिल्ड आइस चिल्ड वाटर से उसको आप मिक्स कर लो, गूंदना नहीं है रगड़ रगड़ के, ठीक है, मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आप उसको रख दो थोड़ी सी देर, ढल जाए आपका मैदा, फ्रिज में रख दो या बाहर रख दो 1/2 घंटा, फिर जिस तरह मैंने रोल किया था, रोल करने इतना बड़ा रोल करें कि आपका डिश उससे कवर हो जाए, और फिर आपने उसको डिश के ऊपर बिरयानी के ऊपर लगाया और अंडे से ब्रश किया, और आपने बेक होने के लिए डाल दिया है फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। तय किस तरह लगाई थी, नीचे चावल डिश में, ऊपर पूरा गोल, फिर उसके ऊपर दही और क्रीम, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें,
जाफरान केवड़ा सब कुछ डाला था, ठीक है, वो सब डाल के आधा मिक्सचर वो डाला, फिर पूरा गोश्त का मिक्सचर डाल दिया, गोश्त के मिक्सचर के ऊपर वापस से मैंने वो क्रीम और दही वाला मिक्सचर डाला, उसके ऊपर फिर आप लाल प्याज थोड़ी सी डाल दो आधा कप जितनी, और बचे हुए चावल डाल दो, और फिर उसके बाद में आपने उस पर पेस्ट्री से कवर किया, तो ये पर्दा चिलमन, और ये पेस्ट्री जब आप चावल खाओगे तो ये खाते हैं, ये फेंकती नहीं है, ठीक है, तो आपने जब लेंगे तो वो पेस्ट्री भी आपके साथ आएगी, आप बिल्कुल इसको खाइए, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे ये बंद कैसा हो गया? अच्छा, यहाँ पे ये गोश्त तैयार है, इसमें आखिरी में जा रहा है साबुत लाल मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, ठीक है, बस दिस बेहतरीन गल गया है, ये देखें इसकी शक्ल देखें, ठीक है, और ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम बस इसको 5 मिनट छोड़ रहे हैं, ब्रेक में डिश आउट करते हैं एंड इट्स डन, सोनामुखी भी मैं निकाल लूंगी, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोनामुखी अज्जा, अंडे पिटे हुए 3 अदद, पिसा खोपरा 2 कप, खुश्क दूध 3 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन, पानी 2 कप, सूजी 1 कप, चीनी 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पीला रंग 1 चुटकी, घी 1 कप, बादाम 2 खाने के चम्मचे, पिस्ते 2 खाने के चम्मचे। तरकीब, 3 कप खुश्क दूध में 2 कप पानी, 1 टिन कोकोनट मिल्क, 1 चुटकी पीला रंग, 1.5 कप चीनी, 1 कप सूजी और 1 कप घी डाल के मिक्स कर लें। अब इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें, साथ ही मुसलसल चमचा चलाते रहें। जब वो गाढ़ा होने लगे और घी फैल जाए तो उसे ग्रीस की हुई डिश में डाल के अच्छी तरह फैलाएं। अब इस पर 2 खाने के चम्मचे कटे बादाम और 2 खाने के चम्मचे कटे पिस्ते छिड़क दें। आखिर में पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। पर्दा चिलमन बिरयानी, ठीक है, पर्दा भी बिल्कुल रेडी है, आप पर्दा भी इंजॉय कर सकते हो। बकौल मेरे डायरेक्टर साहब के, बुरखा बिरयानी आखिर मैंने बताई दिया, ठीक है। अच्छा जी, और वो देखें राड़ा मटन और सोनामुखी, सोनामुखी को आप स्लाइसेस पीसेस में काट लो और थोड़ी देर बाद काट के आप पीसेस में सर्व कर लो, या ऐसे ही ले लें, जैसा भी आपकी मर्जी, ठीक है। आज का जो हमारा जवाब था वो यही था, बर्मीज डिश है सोनामुखी, और विनर है मेहताब फ्रॉम कराची, मिसेस मेहताब फ्रॉम कराची, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, इंशाल्लाह एक महीना डेढ़ महीने का टाइम दीजिए, आप तक कॉल आएगी और फिर आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशाबाद रखे, हंसता बसता रखे, हर नाकानी करी नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से, बुरी नज़र से बचा के रखे, खाने पीने के काबिल रखे, इतनी नेमतें होती हैं और हम खा पी नहीं सकते बहुत से लोग, तो शुक्र करें हर लम्हे अल्लाह, ठीक है। जाते जाते एक ही बात कहते हैं हर रोज की तरह, मसाला है तो खाने में है मसाला। अल्लाह हाफिज़।
खाने में है मजा। अच्छा जी, ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह कलर और कितना अच्छा भून गया। अच्छा, इसको आप बीफ से भी बना सकते हो, सेम रेसिपी फॉलो कर लो, बोनलेस से बनाना, बोनलेस बीफ से, ठीक है? अभी कुर्बानी पे तो आपको बहुत बोनलेस मिलेगा, आप उससे बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। और कोई पपीते की जरूरत नहीं है, उसको आराम से पानी डाल दो 3-4 कप और गलने दो, जब वही तो मजा है जब वो घुटा घुटा होगा। इसमें गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ठीक है? बस मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 2 कप और उसको एक तरफ कर देते हैं। आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी। ओहो, ब्रेक कर देती हूँ ना, गोश्त चढ़ा दूँ, गोश्त चढ़ा दें फिर चलते हैं ब्रेक पे, ठीक है? ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं पर्दा चिलमन बिरयानी, वो आपको बाद में बताऊंगी इसका पर्दा क्या है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन बहरहाल। अच्छा, पर्दा चिलमन बिरयानी भी मैं मटन से बना रही हूँ बिकॉज बकरा ईद है, वरना आप बिल्कुल उसको चिकन से बना सकते हो, बोनलेस चिकन से भी बना सकते हो, ठीक है? कॉलर है मेरे साथ बहुत दूर से, ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आंटी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं दीप बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। ऑस्ट्रेलिया से जी, फरमाइए जी, क्या हाल है आपके जी? अल्लाह का बहुत एहसान है, बोलिए आप क्या कहेंगे जी। आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि वो बर्मा की डिश है, ठीक है? और कोई फरमाइश? और मेरी वाइफ जो आपका प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक से देख रही है और अभी भी वो देख रही है। अच्छा अच्छा जी, ये बात कर ले जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ इतनी खोई हुई हैं प्रोग्राम में? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं सादिया बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से जी। सादिया, कितने बज रहे हैं वहाँ? अभी 4:15 हुए। ओके ओके, अच्छा टाइम है आपके लिए शो देखने का। इसी टाइम मैं डेली आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है बेटा आपकी? नहीं, कोई भी नहीं है। आप सारा इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, कोई फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं। चलें, आपकी मियाँ तारीफ करते हैं खाने के बाद? हाँ जी, बहुत करते हैं। चलें, जबरदस्त, ठीक है, खुश रहिए बेटा हमेशा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का, प्रोग्राम देखने का, इतनी दूर से कॉल करने का, खुश रहिए बेटा। अच्छा, हार है हम, मैं ये बात बताऊंगी ऑनर, ठीक है? अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हमने चावल लेने हैं 1/2 किलो, गोश्त मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव मटन लिया है और उसको हम कुक करेंगे, ठीक है? देखें, इसमें सब में पहले 1/2 कप तेल मौलवी कैनोला गरम किया और उसमें मैं जा रही हूँ शामिल करने 1 बड़ी कच्ची प्याज पिसी हुई, ब्लेंडर कर लो, सिल्क नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसको 5 मिनट लगेगा फ्राई करने, तो हम ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है? स्टे विद मी। रहरा मटन अज्जा, बकरे का गोश्त 1/2 किलो, दही 1/2 कप, तेल 1/2 कप, हरी इलायची
6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेजपत्ता 1 अदद, कटी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्चें 6 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब, पहले आधा किलो बकरे के गोश्त को 1.5 चाय का चमचा नमक और आधा कप दही से 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब आधा कप तेल गर्म करके इसमें 6 अदद हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची, 1 अदद तेज पत्ता और आधा कप कटी प्याज फ्राई करें यहाँ तक कि वह लाइट ब्राउन हो जाए। फिर इसमें 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 1.5 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चमचा हल्दी, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 6 अदद साबुत लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा पिसा धनिया और मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करें और ढक कर हल्की आंच पे पकाएं। अब इसमें 1 कप पानी डालें यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। उसके बाद 2 अदद कटे टमाटर, 1 खाने का चमचा कटी अदरक और 2 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें यहाँ तक कि गाढ़ी ग्रेवी रह जाए। आखिर में 6 अदद साबुत लाल मिर्चें, आधा चाय का चमचा साबुत गर्म मसाला, 2 खाने के चमचे हरा धनिया और 2 अदद कटी हरी मिर्चें डाल दें और नान के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है पर्दा चिल्मन बिरयानी। आधा कप मौलवी कैनोला कुकिंग ऑयल लिया, उसमें मैंने शामिल किया इतनी बड़ी प्याज कच्ची, ब्लेंडर में ज़रा सा पानी डाल के पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। उसको आप अच्छी तरह से फ्राई कर लो जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने 1 खाने का चम्मच, लिख ले हाँ गौर से, 1 खाने का चम्मच मैंने भर के बिल्कुल हीट ऊपर तक इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और ये 6 से 8 बटन रेड चिलीज, ठीक है, 6 से 8 बटन रेड चिलीज चली गई थी। उसको भूनने के बाद मैंने इसमें 750 ग्राम्स या 3 पाव बकरे का गोश्त, बटन मैंने आपको बताया मैं हमेशा मिक्स लेती हूँ, रान का भी होता है, और उसमें ये देखें आपको मैं आज दिखाती हूँ, ये देखें ये पुट है, ठीक है, ये पुट का पीस है। आई ऑलवेज टेक, ये देखें ये चॉप्स हैं, तो इस तरह से मैं मिक्स गोश्त लेती हूँ ताकि अच्छा लगता है। अच्छा ये मैंने हो गया, अब मैं इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, फिर भी इतनी लजीज बिरयानी बनती है ये। इसमें मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच। आपका शो बहुत अच्छा है आपका, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आपको भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बेटा, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा मैंने दिया नहीं है इस साल, बिकॉज मैं काफी 2 दफा मेरा ख्याल से सिखा चुकी हूँ। मैं ऐसा करूंगी किसी दिन फारिग होंगी ना, मतलब जल्दी इजी रेसिपीज होंगी, तो आपको पूरा बैठ के उसकी तरकीब सही से समझा दूंगी, ठीक है, बिकॉज हमारा आपको पता है नवम्बर तक, मेरा तो नवम्बर भी प्लान हो गया है, तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम आपको जरूर समझा देंगे, बिल्कुल बता देंगे आपको, बहुत अच्छा बनता है मेरा, वेरी नाइस, जरूर बताएंगे। अच्छा टमाटर डाल दिया, टमाटर के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाल दी, और मुझे जब से उलझन हो रही है उसमें प्याले में थोड़ी सी दही रह गई है, तो आई कांट, अब इसको हम थोड़ी सी भुनाई करते हैं, इतनी भुनाई करेंगे कि टमाटर मुझे फील हो कि जी बिल्कुल अच्छा सा भून गया है। फिर ये जो मैरिनेटेड मटन है ना, मैरिनेट किया है 1/2 कप या 1/2 पाव फीटी हुई दही, 1.5 चाय का चम्मच लेवल्ड नमक के साथ, ये मैं इसमें डाल दूंगी और फिर ढक देंगे इसको, और फिर हम 5 मिनट के बाद, मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात इसलिए अभी से बता रही हूँ कि आई एम श्योर ब्रेक आने वाली है, आ गई है ब्रेक, तो ब्रेक से आने के बाद हम इसमें आपके सामने आके मसाले डालेंगे। अभी टमाटर भून रही हूँ, टमाटर भूनने के बाद ये जो दही लगा हुआ, नमक लगा हुआ गोश्त है ये इसमें चला जाएगा और इसको भुनाई होगी और ढक दिया जाएगा
फिर ब्रेक से आने के बाद उसको खोलूंगी और तमाम मसाले आपके सामने जाएंगे। ठीक है, आज का सवाल, सोनामुखी कहाँ की डिश है, कौन सी जगह की डिश है, जल्दी से बताइए, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेजिए, लेकिन सेल फोन पे पहले मसाला एम लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भजन अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, दही आधा कप, तेल आधा कप, हरी इलायची 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, तेजपत्ता 1 अदद, कटी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 6 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमने क्या किया जल्दी से बता रही हूँ। ठीक है, आधा कप लिया था मौलवी कनोला ऑयल, और उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 बड़ी इलायची, 4-6 छोटी इलायची तोड़ के ज़रा सा डाल दो, 1 तेज़पत्ता दैट्स बे लीफ वो डाल दिया, और ज़रा सा उसको हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद उसमें मैंने 1 प्याज चॉप डाल दी, प्याज को लाइट गोल्डन किया, जब प्याज लाइट गोल्डन हो गई उसमें 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक डाल दी, और मैंने उसमें शामिल कर दिया 2 स्लाइस टोमेटोज और 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट या 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। डालने के बाद उसको आपने अच्छी तरह भूना, जब टमाटर नरम हो गए तो फिर मैंने उसमें जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो डाल दिया। गोश्त किस चीज से मैरिनेट किया था, आधा किलो मटन था जिसको मैरिनेट किया था, आधा कप दही और 1.5 चाय का चम्मच नमक। ठीक है, अब मैं इसको खोल रही हूँ, ये बस दही, अभी मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, आपका इंतजार कर रही थी कि इसमें मसाला जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, अदरक लहसुन नहीं डाला था आपकी वजह से इधर रुक गई थी, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये चला गया, अब मुझे इसकी भुनाई करनी है, बिकॉज क्यों करनी है, हो तो चुकी है लेकिन तेल ऊपर आ गया, लेकिन क्यों करनी है, अदरक लहसुन अभी डाला है वरना वो कच्चा कच्चा फ्लेवर देगा। ठीक है, जब तक ये भून रहा है मैं कॉलर से बात करती हूँ, और इधर प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया, इसमें जा रही हूँ डालने आधा कप मौलवी कैनोला ऑयल, और आते हैं पर्दा चिलमन बिरयानी का मटन चढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। आई लव योर शो शिंटी, एंड आई हैव ट्राइड योर रेसिपी मेनी टाइम्स। व्हाट डिड यू ट्राई स्वीट हार्ट? योर केक। ओके, केक लाइक टी टाइम केक। ओह वाओ, ओके। और मैंने उसमें वेरिएशंस भी करी थी, लाइक आपने उसमें चेरीज डाली थी, मैंने जस्ट चेरीज ऑमिट करके प्लेन केक लाइक टी टाइम केक बनाया था। वेरी गुड बेटा, मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की है। ओके जान, और मैंने आपके बहुत सारी ट्राई करी है रेसिपीज, मुझे और मेरे
मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आती है, मेरे फादर को, लाइक मदर को, सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा आप मुझे बताओ हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19। मैंने आपको 2 टाइम्स पहले कॉल कर चुकी है। हाँ मुझे याद आ गया बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी एज पूछी थी। यस yes, yes. बिल्कुल याद आ गया मेरी जान। ओके कीप इट अप बेटा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम एंड हैव अ ग्रेट डे। ठीक है आके आपको बताती हूँ ब्रेक। पर्दा चिलमन बिरयानी अज्जा बकरे का गोश्त 3/4 किलो, उबले चावल 750 ग्राम, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, दही 3/4 कप, मजीद 3/4 कप, क्रीम आधा कप, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, तली प्याज आधा कप, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जाफरान 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, केवड़ा 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया और कटा पुदीना हस्बे जरूरत, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पर्दे के अज्जा मैदा 2.5 कप, मक्खन 3/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी हस्बे जरूरत। Welcome back to Masala Mornings, another international caller on hold. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shirin apa, kaise hain aap? Alhamdulillah Rabia, main theek hoon. Aap kaisi hain? Aapki tabiyat alhamdulillah. Aapko Allah ko acha rakhe, aapke bachchon ke sath, aapke shohar ke sath, aapko tamam दुनिया की खुशियां मिले, और आपकी जितनी भी शादी के एनिवर्सरी, आपके प्रोग्राम की, मसाला मॉर्निंग की एनिवर्सरी, जो भी जितनी भी आपकी जिंदगी में आए, अल्लाह ताला आपको हजारों साल की उम्र दे, सेहत आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, आपको भी, आप भी खुश रहिए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह ताला। और आपा एक आपका आपसे बात शेयर करना था जी। हेलो जी जी बोले एक हाँ, आपने जो लींबू का अचार डाले थे ना, वो लींबू के रस जी जी, जी 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 हाँ, तो मैंने बनाई हूँ, डाली हूँ, तो वो 4 रोज धूप में रखने के बाद फ्रिज में रखना है? आपकी मर्जी है, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, खराब नहीं होता, लेकिन रख दें फ्रिज में। 4 दिन धूप में नहीं रखें, 6-7 दिन 8 दिन धूप में रखें। अच्छा 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 ठीक है। माशाल्लाह आपकी रेसिपी एक्सलेंट। थैंक यू। आंख बंद करके हम लोग बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी रेसिपी। हमारे घर वाले, हमारे वहाँ पर इंडिया में भी मैंने बनाई हूँ, दी हूँ, सब लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए। अल्लाह ताला आपको बहुत माशाल्लाह इसी आप अच्छे रहे, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, लोगों के हसद से बचाए, और अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। पूरे कम्प्लीटली मसाला चैनल वाले को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए हमेशा, आप लोग भी हमेशा इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो, इतना मान देते हो, इतना दिल बड़ा कर देते हो, इसीलिए तो वजन कम नहीं होता। क्या करूं, आप लोग की इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अच्छा जी, सोनामुखी पे आते हैं, बिकॉज इसको बहुत टाइम लगेगा मुझे पकाने, एटलीस्ट आधा घंटा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास 3 कप मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, गुड क्वालिटी, आई कांट से द नेम। ठीक है, एन से नाम शुरू होता है, पीला डब्बा है, बच्चा और माँ बना हुआ है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, 3 कप हमने लिया ये। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 कप पानी। मैं 2 कप नहीं डालूंगी, थोड़ी सी चीटिंग करती हूँ, क्यों करूंगी चीटिंग, जितना पानी डालूंगी इतना टाइम लगेगा सुखाने में। ठीक है, तो मैं 1 कप से काम चलाती हूँ, आप मत करना, आप 2 कप डालना। ठीक है, 1 कप चलें, आधा कप और डालते हैं।
ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी एक टिन सूरी कंपनी का कोकोनट मिल्क, पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी, सेमोलिना एक कप, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, शुगर डेढ़ कप है, मेजर्ड है, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, वेनिला नहीं डालना है, इलायची पाउडर डाल दें, पिंच ऑफ येलो कलर, जर्दे वाला कलर, ठीक है। नारियल जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट 2 कप, थ्री एग्स, वन कप मौलवी वनस्पति, मैं 1 कप से कम लूंगी, क्यों, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जमा हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर तक नहीं ले रही। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पकाने रखेंगे, और जब पकाने रखना है तो हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, वरना अंडा स्क्रैम्बल बन जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और मेरे पास आपकी रेसिपी कार्ड में दही लिखी हुई आ रही है 2 जगह, 3/4 कप प्लस 3/4 कप, हमें 1.5 कप दही चाहिए, फेंट लो, आधी आधी कर लो, आधी इधर आधी इधर, ठीक है, आधी दही आप इसमें डालो। ये आपके घर जरूर बनाइए आप ईद पे, बहुत ही जबरदस्त। ये हमने डाल दिया दही, अब इसको मैं पानी, अभी फिलहाल मुझे डालने की जरूरत नहीं है, वो दही का अच्छा खासा पानी लिक्विड हो गया है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे इसका क्या हाल है, ठीक है। जब तक मैं इसको एक नजर मारती हूँ, ये आराम से पक रहा है, इसको तो मैं छूंगी 12:20 पे, अच्छा गल जाए, पानी की जरूरत होगी हम डाल देंगे। अच्छा,
कॉलर है मेरे साथ, कॉलर से बात करके यहाँ जो आधी दही पड़ी है उसमें क्या क्या चीजें जाएंगी वो आपको बताती हूँ। ये हम लेयर्स में डालेंगे बिरयानी के, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा फॉर यू मिलियंस ऑफ ग्रीटिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ कलर्स, हंड्रेड्स ऑफ विशेस, टन्स ऑफ स्वीट एंड लॉट्स ऑफ स्माइल, दैट्स आई विश यू फॉर माय स्वीट हार्ट आपा। थैंक यू, थैंक यू सो मच बेटा, जजाक अल्लाह खैर। एंड आपा आई गॉट योर गिफ्ट, आई गॉट योर बुक, इतनी जबरदस्त बुक है आपा, बहुत जबरदस्त बुक है, वो जो शाइस्ता के प्रोग्राम में जीती थी। जी बिल्कुल, मिल गई। ओके, इतनी अच्छी बुक है, मैं इतनी खुश हूँ ना, मुझे गली मिली है, बहुत जबरदस्त बुक है और बहुत अच्छी रेसिपीज है उसकी, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी की आज मेरी कॉल मिल गई आपा, थैंक्स गॉड। आप कहती है ना कि शुक्र अदा करता करें, बिल्कुल शिकायत तो करनी नहीं है किसी हाल में, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपा, आपके सारे शोज बहुत मार्वलस होते हैं, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, और आपा इन ग्रीन यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। और कल का शो आपका सुपर था, मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है आपा, जो आपने भुसभुसा जो बनाया था उसमें सूजी जो है भून कर डाली थी या बगैर भुने? कच्ची कच्ची, भुनी बगैर। अच्छा, भुने बगैर डाली थी, ओके आपा, ठीक है। लव यू टू बेटा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया हमारे गिफ्ट्स मिलते हैं, और ये भी सुन लिया कि मेरी जो किताब है वर्थ बाइंग है, तो जरूर खरीदिए। अब रीप्रिंट होके आ चुकी है, थर्ड एडिशन रीप्रिंट हुआ है माशाल्लाह, एक साल में रीप्रिंट होके आ चुकी है, बहुत हर जगह हर बड़े बड़े स्टोर्स पे दस्तियाब है, तो आप मसाला मॉर्निंग्स की किताब जाके जरूर खरीदें, और अगर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो हांडी की और लाइव एट नाइन की भी खरीदिए, ठीक है, जरूर खरीदिए। ओके जी, आ रहे हैं हम दही के मिक्सचर पे। दही मेरे पास तीन चौथाई कप उसमें चली गई, तीन चौथाई कप इधर है। अब इस तीन चौथाई कप दही में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप क्रीम, नहीं डालना है आप दो टेबलस्पून डाल लो, लेकिन डालना जरूर, ज्यादा नहीं डालनी है, नहीं डाले बट दो टेबलस्पून जरूर डालिए। दही और क्रीम हो गई, अब इसमें मैं शामिल करूंगी धनिया, जी जी टेट्रा पैक वाली नॉर्मल क्रीम, धनिया थोड़ा सा दो टेबलस्पून, पुदीने के पत्ते चार दस बारह काट के, सॉरी हाथ से तोड़ के, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे दूध क्वार्टर कप, और इसमें मैं डालूंगी केवड़ा वाटर एक खाने का चम्मच, एक तरफ कर लेना सब। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, फिर वही बात है, मुझे पता है बहुत से लोग मुझसे बहुत नाराज होते हैं कि आपा बहुत खर्चा करती हैं, लेकिन मैं क्या करूं भाई, जब तक चीज कैसी, बहरहाल अगर आपको नहीं डालना है आप नहीं डालें, आप ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दो, ठीक है, आप बिल्कुल ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दो। ये हो गया एक तरफ। अच्छा, अब कॉलर है मेरे साथ, इंटरनेशनल कॉलर फ्रॉम दुबई। हाय मलेशिया। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड स्वीट हार्ट, हाउ आर यू बेटा? गुड गुड, व्हाट टू टेल यू, लवली रेसिपीज, आई ट्राइड टेंडर पॉप्स यस्टरडे, यम्मी। व्हाट? टेंडर पॉप्स, ओके ओके ओके, very yummy. I got your book over here in Dubai, yours and handy book I got. What you got? Your book. Oh, your book. Wow. Kahan se kharidi beta? That Apna Pakistan supermarket auntie. Okay, okay. He has it. Okay, okay. Great, great. Yeah, I did not get Gulzar's book, but I got these two books, I definitely got it. Okay, great beta, great, enjoy it, happy cooking. Thank you Malaysia for your call all the way from Dubai, khush rahiye. Achha ji, samajh aa gaya, clear ho gaya, haan?
आधा कप मलवी कुकिंग ऑयल लिया, उसमें एक कच्ची प्याज डाली, ठीक है, और कनोला ऑयल, और उसमें एक कच्ची प्याज डाली, और साथ में आप अदरक लहसुन भी डाल दो एक खाने का चम्मच, और उसको अच्छी तरह भून लो। भूनने के बाद आपने उसमें 6-8 बटन रेड चिलीज डाली, ठीक है, ये डाल दिया। साथ में आपने लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें डाल के 3/4 कप 3/4 कप फिटी हुई दही डाल के मिक्स किया, और उसको हमने कवर करके छोड़ दिया है गलने के लिए। अब ये गल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास मेरे चावल रेडी हैं, हम लेयर्स लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास चावल रेडी हैं। चावल बॉईल करते वक्त मैंने नमक, साबुत गरम मसाला एंड ब्लैक क्यूमिन सीड्स डाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आपको खुशामदीद करते हैं आपके शो पे, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मिसाला टीवी। खुश रहिए हमेशा, और हंसते बसते रहिए, और मसाला मॉर्निंग्स के साथ रहिए। आज क्या बन रहा है? आज बहुत जबरदस्ती वही बात, ईद की रेसिपीज। देखें, मैं कोई ईद का अलग हफ्ता नहीं कर रही, कोई खास वो नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही हूँ, ठीक है। आज हम आपको पर्दा चिलमन बिरयानी सिखाएंगे, ये भी मटन से बन रही है, और हम आपको रारा मटन सिखाएंगे, ये भी मटन से बन रहा है, ये इंडिया की स्पेशलिटी है, रोड साइड फूड है, ढाबे पे मिलता है आपको, इसको राड़ा मटन कहते हैं, ठीक है। अच्छा खासा खूब गलावा गोश्त होगा, और हम बना रहे हैं सोना मुखी, ये मीठा है और ये बर्मीज डिश है, बर्मा की डिश है सोना मुखी। तो आज मुकाबला सख्त है मेरे लिए, 1.5 घंटे में 3 मुश्किल रेसिपीज हैं। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अल्लाह ताला मदद करते हैं हमेशा, और शुरू करते हैं पहली रेसिपी, राड़ा मटन। अब मेरे पास प्रेशर कुकर एक है, इसलिए मुझे टेंशन है यहाँ पे। खैर, राड़ा मटन हम इसमें चढ़ाते हैं, प्रेशर कुकर में हम बिरयानी का गोश्त करेंगे, ठीक है। मटन लेना है आपको 1/2 किलो। अच्छा, आज का सवाल, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरा शो का इंट्रो बहुत गौर से सुना है। जिन्होंने गौर से सुना है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, सवाब का जवाब देना। जिन्होंने नहीं सुना या अभी खोला टीवी, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। आज का सवाल आपसे ये है, सोना मुखी कहाँ की डिश है? सोना मुखी कहाँ की डिश है, जल्दी से बताइए। मसाला एम लिखें, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 888-1 पे आपको भेजना है, ठीक है जी। सोना मुखी कहाँ की डिश है? ओके, हमने ले लिया मटन 1/2 किलो, और इसको हम जा रहे हैं मैरिनेट करने सिर्फ दही और नमक के साथ। हाफ कप दही, ठीक है, नमक 1.5 टीस्पून, मलवी कनोला ऑयल बहुत सारी खूबियों के साथ, नया तेल जो मलवी ने इंट्रोड्यूस, मलवी कुकिंग ऑयल वालों ने इंट्रोड्यूस कराया है, कैनेडियन सीड से निकाला हुआ बेहतरीन कनोला ऑयल, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर हार्ट, फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 और 6 की क्वालिटीज इसमें भी शामिल है। तो आपने भी इसको लेना है, मेरा एतमाद कीजिए, मैं यूज करती हूँ, आपने भी यूज करना है, ठीक है। ओके, लेते हैं हम 1/2 कप मालवी कनोला ऑयल, बहुत लाइट है, मैं कल से यूज कर रही हूँ, मुझे
कितना लाइट लगता है ये, वेरी नाइस। और बॉटल भी इसकी इतनी अच्छी स्मार्ट बॉटल है, पकड़ने में आसानी, ठीक है, देखने में खूबसूरत। ये हमने गोश्त और नमक ले लिया। अब हमने तेल गरम किया है और तेल गरम करने के बाद मैं इसमें डालूंगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दो बड़ी इलायची, चार छह डाल दीजिए छोटी इलायची, एक डाल दिया तेज पत्ता, एक डाल रही हूं प्याज चॉप्ड, थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, साथ में एक खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक डाल दीजिए। जैसे ही प्याज गोल्डन होगी मैं इसमें स्लाइस टोमेटोज डाल दूंगी दो चॉप्ड, और साथ में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, ठीक है। टोमेटो पेस्ट डालना है आपको, अगर नहीं है तो 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाल दीजिए, सही है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल टेंडर पॉप्स और क्या बनाया था वो भुसभुसा बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। पेज पे से पता चल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है, ईमेल्स आती हैं, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस, बहुत मेहरबानी। बस प्याज को हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। जैसे ही वो लाइट गोल्डन होना शुरू होगी मैं इसमें टमाटर, अच्छा आपका जब आप रेसिपी का चलेगा उसमें जो मेथड आ रहा होता है, जो तरकीब आ रही होती है, उसमें टमाटर बाद में लिखे हुए हैं, आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन उससे एक चीज होती है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती है, वो टमाटर खड़ा खड़ा रहता है, नजर आता है, तो शुरू में डाल दो ताकि वो अच्छी तरह भुनाई में भून जाता है, बस इसलिए मैं टमाटर पहले डाल रही हूँ, बता दिया है आपको, आगे आपकी खुशी है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कॉलर है मेरे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।